हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑसम फूड। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी चिकन दम बिरयानी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना डिलीशियस लग रहा है। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको मिक्स करके, ये कितना अलग अलग दानों के साथ खिला हुआ बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। रेस्टोरेंट से भी अच्छा आप घर से घर पर बना सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऑसम फूड को, लाल बटन दबा के बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन ले लिया हुआ है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 कप स्टैंडर्ड कप से फेटी हुई दही ले लूँगी। दही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दही से बहुत अच्छा टेंडर और मॉइस्चर हो जाता है चिकन। अब मैं इसमें तली हुई प्याज डालूंगी, आधा मैं अभी डाल दूंगी, आधा बाद में जब मैं दम पे रखूंगी तब लगाऊंगी। इसमें धनिया ले लेंगे, फिर हम नमक इसमें स्वाद के अनुसार डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच के करीब में लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये 1/4 चम्मच के करीब में इलायची पाउडर है, इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। 1 छोटा चम्मच के करीब में यहाँ पे जीरा पाउडर है, वो डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच के करीब में धनिया पाउडर है, वो भी ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच के करीब फ्रेंड्स यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब में दालचीनी पाउडर है, वो ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली है, वो भी डाल दिया। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब बिरयानी मसाला लिया हुआ है, उसे ऐड कर देंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब में नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से बहुत जूसी बनता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। ये बहुत सीक्रेट है, इससे बिरयानी बहुत अच्छी बनती है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, या फिर कह सकते हैं रेस्टोरेंट से भी अच्छी क्योंकि आप इसे घर पे बना रहे हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच के करीब में कलर ऐड कर रही हूँ, फूड कलर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी बिरयानी का। ये आप स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं डालना है आपको। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे ढककर लगभग 3 से 4 घंटे रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी आप 1 से 2 घंटे तो इसे रखो ही। चलिए फ्रेंड्स, अब चेक कर लेते हैं हम अपनी बिरयानी को। ये देखिए मैरिनेशन हमारा बिल्कुल तैयार है, 4 घंटे हो गए हैं, अच्छे से सारे मसाले आ गए हैं इसमें चिकन में। अब हम इसमें एक सीक्रेट मैजिक अप्लाई करेंगे, इसको कोल्ड फ्लेवर देंगे। यहाँ पर मैं बीच में 1 कटोरी आने के लिए होल बना रही हूँ। छोटी सी कटोरी आप इसमें ले लें। कोयले को हमने गरम कर लिया है, जला लिया है। अब इस कटोरी में हम कोयला डाल देंगे और उसमें हम 1 बड़ी इलायची 2 लौंग डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच के करीब में घी, आप बटर भी डाल सकते हैं घी की जगह। फिर 1 प्लेट से हम ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से इसका धुआं सारे हमारे चिकन पीसेस में लग जाए, खूब बढ़िया सा कोल्ड फ्लेवर आ जाए, स्मोकी फ्लेवर, बहुत टेस्टी लगता है ये। अब दूसरी तरफ हम चावल के लिए पानी चढ़ा देंगे। 2 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। बिरयानी बनाने के लिए हम 1 कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए हमारा कोल बढ़िया तैयार हो गया है। अब हम इसे हटा देंगे, साइड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता, 2 स्टार अनीस, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची लिया हुआ है, 3 छोटी इलायची, कुछ दाने काली मिर्च के, 2-3 लौंग लिया हुआ है। सारी चीज़ें अच्छे से चटकने तक फ्राई करेंगे। इसमें मैं हींग भी डालूंगी, 1/4 चम्मच के करीब में हींग डाल देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं जब दम लगाऊंगी तो उसमें घी भी ऐड करूंगी, तो इसलिए अभी आप यहाँ पे कम ही तेल यूज़ करें। अब चिकन सारा हम इसमें अच्छे से डाल देंगे।
चिकन को हम यहाँ पे 80% तक कुक करना है हमें, इसलिए हम पहले से कुक कर लेंगे। सारे चिकन के पीसेस मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे ढककर हमें तब तक पकाना है जब तक चिकन 80% तक हमारे पक ना जाए। ढक देंगे हम इसको। अब यहाँ पे हम चावल ऐड कर देंगे अपने। पानी हमारा बॉयल होने लगा है। चावल को हमने 75% तक कुक करना है क्योंकि जब हम बिरयानी को दम पर लगाएंगे तो आधी चीज़ें अपने आप ही पक जाती हैं उसमें बहुत अच्छा सा। अगर हम पहले ही चावल को 100% कुक कर लेंगे तो चावल टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए आप 70% ही कुक करें। दो तेज़पत्ता भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे बढ़िया से पक गए हैं। मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ कि मैंने कितना पकाया हुआ है। आप देखिए, बस चावल अच्छे से टूटने लगे तब तक हमें पकाना है। अब हमारा 75% तक कुक हो गया। चावल को हम स्ट्रेन कर लेंगे एक छन्नी में। यहाँ से हमने तेज पत्ते हटा देने हैं, चावल को एक साइड में रख देंगे। चलिए चिकन चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चिकन हमारा बढ़िया से पक रहा है। मैंने इसको लगभग 8 से 10 मिनट बाद चेक किया है, अभी ये इतना पक गया है। अभी मैं इसको लगभग 8 से 10 मिनट और कुक करूँगी ताकि अच्छे से पक जाए, ये पानी भी इसका ख़त्म हो जाए। जब तक हम एक कटोरी में 2 टेबल स्पून गुनगुना दूध ले लेंगे, उसमें कुछ धागे केसर के डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। आप हो सके तो केसर ज़रूर ऐड करें बिरयानी में, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब चलिए चिकन फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, चिकन हमारा बढ़िया से पक गया है। बस इतना ही गाढ़ा हमें रखना है और इसका पूरी तरह से ग्रेवी नहीं ख़त्म करना है। बस इतना ही पका के अब हमें इसे साइड में रख देना है। अब चलिए हम तैयारी करेंगे अपने चिकन के दम करने के लिए। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया हुआ है। पहले हम चिकन लगाएंगे, लेयरिंग करेंगे। एक लेयर पहले हम चिकन पीसेस की लगा देंगे। जब हमारी चिकन पीसेस की लेयर अच्छे से देख सकते हैं आप लग गई है, अब उसके ऊपर हम इसे चावल पूरा कवर कर देंगे। इसे दम करने से, ये प्रोसेस फॉलो करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और दम बिरयानी ऐसे ही बनती है, ताकि अच्छे से चावल में सारी चीज़ों की खुशबू आ जाए। चावल हमारा अच्छे से कोट हो गया है। अब इस पे हम 2 टेबल स्पून के करीब में देसी घी डालेंगे। 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून के करीब में मैं यहाँ पे गुलाब जल छिड़कूंगी, इसमें डालूंगी। स्मेल बहुत अच्छी आती है। आप चाहो तो इसकी जगह पे क्योड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं गुलाब जल डाल रही हूँ। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब में मैं यहाँ पे केसर वाला दूध ऐड कर रही हूँ। 1 पिंच फूड कलर डाल देंगे। ऊपर से हम 1 लेयर फ्राइड ऑनियन लगाएंगे, तली हुई प्याज डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब में हरा धनिया। सेम यही प्रोसेस हम दोबारा भी फॉलो करेंगे, ऊपर से चिकन की पीसेस लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ों को दोबारा से भी वैसे ही लगा लिया है। ऊपर से हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हम इसे ढककर दम करने के लिए लगभग 30 से 35 मिनट तक रखेंगे। उसके लिए हमें डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखना है, नीचे आप लोहे का तवा ले लें, नहीं तो नीचे से बिरयानी जल सकती है। अब हम इसे लिड से कवर कर देंगे। आप चाहो तो लिड के चारों ओर आटा लगा सकते हो, बट मैं आटा नहीं लगाऊंगी। मैं एक नैपकिन या टावल से इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अब हो गए हैं हमारे 30 से 35 मिनट। चलिए हम बिरयानी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से इसमें बढ़िया से पक गई हैं सारी चीज़ें। पकी तो पहले से ही थी, बस एक दूसरे में अच्छे से फ्लेवर का आना था। ये बढ़िया से एकदम लग रही है ना, लजीज दम बिरयानी। रेस्टोरेंट से भी अच्छी, आप इसे घर पे बना सकते हो। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत टेस्टी यमी बनती है ये। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे रायता चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।